बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। दिस विल बी द पार्ट फर्स्ट एंड इंशाल्लाह ताला इन सम डेज पार्ट टू ऑफ इट विल बी रिलीज्ड। एज यूजुअल Present perfect tense presented in a manner that it helps to sharpen conversational skills. It includes statements, verbal questions, replies type questions, both affirmative and negative. So in this part one, we are going to deal with statements and verbal questions, and W type, H type questions will be presented in the next video. That will be the part two. तो जैसा कि हम पहले से बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमने आपको बताया कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं इसमें हम जो गुफ्तगू की सलाहियतें हैं इसको तेज करते हुए टेंस सीख रहे हैं। और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का पार्ट वन सीखने वाले हैं, और इसमें हम स्टेटमेंट्स और वर्बल क्वेश्चंस पर जोर देंगे। डब्ल्यू स्टेप क्वेश्चंस के लिए हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे। सो दिस इज मी योर टीचर अमीन मोहम्मद तुले। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज give us your feedback in the face of comment. Please subscribe the channel Education for All and please share the video so that the other listeners will get benefited. तमाम लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट की शक्ल में हमें जो है फीडबैक दीजिए। इस चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फायदा हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अंग्रेजी का टेंस है जिसमें काम थोड़ी देर पहले हुआ है। इसकी तफसील हम और थोड़ी देख लेते हैं। आप जानते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव हैं, और हैव जो है आई वी यू दे के लिए इस्तेमाल होता है, हैज जो ही शीट के लिए इस्तेमाल होता है, और वर्ब इसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है। ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो है दो तरीके से अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज यूज्ड इन टू मैनर्स। फर्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब एंड सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। सो पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहें ब्रोकन प्लेट्स, तो ब्रोकन प्लेट्स का मतलब टूटी प्लेट है। तो ये ब्रोकन जो एडजेक्टिव है वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, इसलिए हम इसको यहाँ पर एडजेक्टिव पार्टिसिपल कहते हैं। So let us see the use of present perfect tense. First of all, it is used for finished actions. जो काम हो चुके हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है recent completed actions, जो काम अभी भी हुए हैं, और personal experiences यानी ज़ाती तजुर्बात के लिए भी present perfect tense का इस्तेमाल होता है, और accomplishments यानी कामयाबियां बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। हर एक की मिसाल देख लेते हैं। फ्री सेक्शंस के लिए वहीद हैज लॉस्ट हिज पेन, वहीद अपनी कलम खो चुका है या वहीद ने अपनी कलम खोई है। उर्दू में इस टेंस को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, दोनों जुमले हमने लिखे हैं। तो ये फिनिश्ड एक्शंस के लिए, रिसेंट कम्प्लीट एक्शंस के लिए जुमला देखिए, सलमा हैज कुक्ड राइस इन राइस राइट नाउ। सलमा अभी अभी चावल पका चुकी है, सलमान ने अभी अभी चावल पकाए हैं। उसके बाद आया सीन ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, मैंने ताजमहल देखा है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस यानी ज़ाती तजुर्बा है। अगर 10 साल भी पहले देखा हो तो हम इसे इसी तरह कहते हैं कि मैंने देखा है, आई हैव सीन। और लास्ट अकम्पलिशमेंट के लिए मिसाल जो है, मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून, यानी आदमी चांद पर कदम रख चुका है, आदमी ने चांद पर कदम रखा है। सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और अदरवाइज राइट इट डाउन। पेन आपके पास रहना ज़रूरी है। इस वीडियो की मालूमात आप बगैर पेन लिए और बगैर लिखे सही ढंग से हासिल नहीं कर सकते। सो लेट अस सी द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। इससे पहले हम आपको पास्ट टेंस के रूल बता चुके हैं, पास्ट टेंस के साथ में पास्ट पार्टिसिपल भी बता चुके हैं, तो हम एक तरीके से रिवीजन करेंगे, तेज रिवीजन करेंगे। जनरली पास्ट पार्टिसिपल इज यूज विद हेल्पिंग वर्ब्स हैज, हैव एंड हैज। तो
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल जो हैज और हैव के साथ में इस्तेमाल होता है। और ये अब हम तेजी से देखते हैं जो रूल्स हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्मेशन के। पहले देखिए, सम वर्ब्स हैव सेम स्पेलिंग इन ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, दे आर कॉल्ड इररेगुलर वर्ब्स। तो इनकी मिसालें आप देख चुके हैं, कट कट कट, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, और शर्ट शर्ट शर्ट। तीनों फॉर्म में एक ही जैसे स्पेलिंग है, इनको इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ये वीक वर्ब्स हैं। उसके बाद में वीक वर्ब्स की दूसरी मिसाल जो है, जिनमें प्रेजेंट टेंस में एक स्पेलिंग है लेकिन पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में सेम स्पेलिंग है, इन्हें वीक वर्ब्स कहते हैं, लूज लॉस्ट लॉस्ट, सेल सोल्ड सोल्ड, मेक मेड मेड, और पे पेड पेड। आप देखें, पहले इसमें जो स्पेलिंग है वो अलग है और पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में सेम है, तो ये जो है वीक वर्ब्स कहलाते हैं। कुछ वीक वर्ब्स में जो है, सम वीक वर्ब्स एंड ऑन कंसोनेंट हैव वॉवल्स बिफोर देयर कंसोनेंट, सच वर्ब्स लास्ट कंसोनेंट डबल इन देयर पास्ट टेंसेस। तो ये जो वर्ब्स होते हैं, लास्ट इसमें कंसोनेंट और उसके पहले वॉवल होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस में इनका जो है आखिर का कंसोनेंट डबल हो जाता है। देखिए, स्टॉप में पी डबल हो गया, स्टॉप स्टॉप। इस तरह से रॉब में पास्ट टेंस रॉब ड्रॉप्ड, पी डबल हो गया, और प्रिफर प्रिफर्ड प्रिफर्ड में आर डबल हो गया है। सम वर्ब्स हैव डिफरेंट स्पेलिंग इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ये तीनों फॉर्म में इनकी स्पेलिंग अलग होती है। देखिए, बाइट बिट बिटन, नो न्यू नॉन, शो शोड शोन, और सी सॉ सीन। सो प्लीज सी इट वेरी केयरफुली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट इट डाउन, बाय हार्ट इट एंड कीप इन योर माइंड। अब हम इनकी मिसालें जो है जल्दी से देख लेते हैं, जो हमने पहले आपको जो है इरेगुलर वर्ब्स की मिसालें थी। तो ये तमाम लफ्ज जो है आप चाहे तो वीडियो रोक के लिख सकते हैं। ये दूसरी मिसाल जो है वीक वर्ब्स की, पहले प्रेजेंट टेंस में एक स्पेलिंग और पास्ट टेंस और पास्ट पर्सन में अलग अलग, तो ये हम जल्दी जल्दी आपके सामने लिख देते हैं, आप लास्ट में वीडियो रोक के देख सकते हैं। इसके बाद वाली मिसाल वीक वर्ब्स की, जिसके आखिर में कंसोनेंट है लेकिन पहले वॉवल है, तो लास्ट का कंसोनेंट डबल हो जाता है। तो ये जो है कुछ मिसालें आपके सामने ये भी। और अब जो है लास्ट मिसाल, तीनों फॉर्म में स्पेलिंग अलग है और ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाते हैं। देखिए, लास्ट का जो लाए लफ्ज आया हुआ है यहाँ पर, ये और अभी जो शुरू होने वाला वर्ब लाए, दोनों की स्पेलिंग सेम है। यहाँ पर लाए के मतलब जो है ये झूठ बोलना है, पास टेंस लाइट लाइट है, लेकिन यहाँ पर लाए का मतलब पढ़ना है, तो ले और लेन। ये तीनों जो है इसमें इसकी स्पेलिंग अलग अलग है, तो इसको आप जो है ध्यान से देख लीजिए, उतार लीजिए, याद कर लीजिए, और इस तरह की लिस्ट और बना लीजिए, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैटर्न की तरफ, सेंटेंस पैटर्न की तरफ। हम पास परफेक्ट टेंस वर्ब का हर प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम आपको बता चुके हैं, और ये सब्जेक्ट भी आपको याद हो गया, तमाम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है एस प्लस वी प्लस हो। अब देखिए, आई वी यू दे के लिए हम जो हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट के लिए हम जो हैज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई वी यू दे के लिए नेगेटिव जुमला बनाना रहा, तो हम हैव नॉट के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और ही शी इट के साथ में हमको नेगेटिव जुमला बनाना रहा, तो हम हैज नॉट के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। दो मिसालें जो हम बार बार देखते रहे, देख लीजिए, शहबाज हैज ईटन मैंगोज अ वाइल अगो, शहबाज ने थोड़ी देर पहले आम खाए हैं। शहबाज हैज नॉट ईटन मैंगोज अ वाइल अगो, शहबाज ने थोड़ी देर पहले आम नहीं खाए हैं। तो अब हम जो है फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। मैं अपने दांतों को ब्रश से साफ कर चुका हूँ, तो यहाँ पर जो देखिए, माई के लिए आए आएगा, उसके बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा,
साफ करने के लिए क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन, आई हैव क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश। ये पैटर्न आप जहन में रखेंगे तो आपके जुमले बहुत तेज से बनते जाएंगे। तुम स्कूल आ चुके हो, यू हैव कम टू स्कूल। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। इसके बाद में सेब खा चुके हैं, दे हैव ईटन एप्पल्स। वो पतंग उड़ा चुका है। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर आया, ओ उड़ा चुका है, मेल है, तो ही हैज फ्लोन अ काइट। वो दूध में शक्कर मिला चुकी है, शी हैज मिक्स शुगर इन मिल्क। अहमद कॉलेज जा चुका है, अहमद हैज गॉन टू कॉलेज। और सबा रास्ता पार कर चुकी है, सबा हैज क्रॉस द रोड। सबा और नेहा टेलीविजन देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए सबा और नेहा हैं, दो लोग हैं, इसके लिए हैव आएगा। सबा है नेहा, नेहा है वॉच टेलीविजन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड के बाद में नेक्स्ट स्लाइड, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस की हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैज के हैव के बाद में नॉट लगाने वाले हैं। मैं अपने दांतों को ब्रश से साफ नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश। तुम स्कूल नहीं आ चुके हो, यू हैव नॉट कम टू स्कूल। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। वो सेब नहीं खा चुके हैं, दे हैव नॉट ईटन एप्पल्स। वो पतंग नहीं उड़ा चुका है, ही हैज नॉट फ्लोन अ काइट। वो दूध में शक्कर नहीं मिला चुकी है, शी हैज नॉट मिक्स शुगर इन मिल्क। अहमद कॉलेज नहीं जा चुका है, अहमद हैज नॉट गॉन टू कॉलेज। सबा रास्ता पार नहीं कर चुके हैं, सबा हैज नॉट क्रॉस द रोड। सबा और नेहा टेलीविजन नहीं देख चुके हैं, सबा एंड नेहा हैज नॉट वॉच टेलीविजन। सो ऑल दिस सेंटेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट हैविंग अ पेन एंड अ नोटबुक विथ यू, सो इट विल बी नॉट यूजफुल फॉर यू टू वॉच द वीडियोज। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू रिपीट, यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू बाय हार्ट। अदरवाइज लर्निंग टेंसेस विल नॉट बी, द टास्क ऑफ लर्निंग टेंसेस विल नॉट बी अकम्प्लिश। आपको पेन और कॉपी लेकर इनको लिखना ही है, प्रैक्टिस करना ही है। अब देखिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रिवीजन करते हैं। हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को जहन में रखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी आपको इन जुमलों को जो है ट्रांसलेशन करना है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, फिर आपके रिवीजन के तौर पर आप जो है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो तुम मुझे देख चुके हो, यू हैव वॉच मी। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो तुम मुझे देखते हो, यू वॉच मी। अगर कंटिन्यूअस टेंस होता सॉरी अगर कंटिन्यूअस टेंस होता तो यू आर वॉचिंग में आ जाता। अब देखिए पुलिस चोर का पीछा कर चुकी है, पुलिस हैज चेज्ड अ थीफ। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस देखेंगे तो पुलिस चेज द थीफ, और अगर कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे तो पुलिस इज चेजिंग अ थीफ। बिल्ली चूहा खा चुकी है, अ कैट हैज ईटन अ माउस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस, अ कैट ईट्स अ माउस। कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे तो अ कैट इज ईटिंग अ माउस। हम कबड्डी खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड कबड्डी। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे तो हम कबड्डी खेलते हैं, यानी वी प्ले कबड्डी। और अगर कंटिन्यूअस देखेंगे तो वी आर प्लेइंग कबड्डी, हम कबड्डी खेल रहे हैं। इस तरह से अकबर साइकिल चला चुका है, अकबर हैज रिडन अ बाइसिकल। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अकबर राइड्स अ बाइसिकल, कंटिन्यूअस टेंस में अकबर इज राइडिंग अ बाइसिकल। तो ये आपको बार बार दूसरे टेंसेस में जाकर इनको रिविजन करना होगा, तभी जाके आपके सारे टेंसेस पक्के होंगे। और अभी तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस चल रहा है हमारा, जैसे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आएगा तो बहुत कुछ जम्बल्ड हो जाएगा। सो फ्रॉम द जम्बल यू हैव टू थिंक प्रॉपर एंड यू ट्रांसलेट प्रॉपरली इन योर माइंड, एंड दिस ट्रांसलेशन विल हेल्प यू इन कन्वर्सेशन, शार्पनिंग योर कन्वर्सेशनल स्किल्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके नेगेटिव सेंटेंस की मिसालें देखते हैं, रिविजन करते हैं। अगेन यू हैव ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इंग्लिश एंड ट्रांसफॉर्म देम इन टू प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ साथ कंटिन्यूअस टेंस का जबानी आपको बता देंगे। तुम मुझे नहीं देख चुके हो, यू हैव नॉट सीन मी। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो तुम मुझे नहीं देखते हो, यू डोंट वॉच मी। और कंटिन्यूअस टेंस होगा तो यू आर नॉट वॉचिंग मी, तुम मुझे नहीं देख रहे हो। पुलिस चोर का पीछा नहीं कर चुकी है, पुलिस हैज नॉट चेज्ड द थीफ।
प्रेजेंट सिंपल टेंस लेंगे तो प्लीज डज नॉट चेज अ थीफ, कंटिन्यूअस टेंस लेंगे तो प्लीज डज नॉट चेजिंग अ थीफ। बिल्ली चूहा नहीं खा चुकी है, अ कैट हैज नॉट ईटन अ माउस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस देखेंगे तो अ कैट डज नॉट ईट अ माउस, और कंटिन्यूअस अ कैट इज नॉट ईटिंग अ माउस। और फिर हम कबड्डी नहीं खेल चुके हैं, ट्रांसलेशन वी हैव नॉट प्लेड कबड्डी, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे तो वी डोंट प्ले कबड्डी, कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे तो वी आर नॉट प्लेइंग कबड्डी। अकबर साइकिल नहीं चला चुका है, अकबर हैज नॉट रिडन अ बाइसाइकिल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अकबर डजंट राइड अ बाइसाइकिल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अकबर इज नॉट राइडिंग अ बाइसाइकिल। अब हम जो है ये हेडिंग देखते हैं आप समझ के आएंगे कि हम वर्बल क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, तो ये चार जवाब इस सवाल के ट्रांसलेशन के आपके सामने दिए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए, क्या अहमद पानी पी चुका है या क्या अहमद ने पानी पिया है, इनके चार जवाब जो आपके सामने हैं एंड यू हैव टू चूज वन करेक्ट आंसर। सोचिए अपने दिमाग में इस जवाब को, लिख लीजिए, हम आपको बताएंगे अभी। और इसी तरह से क्या तुम किताब पढ़ चुके हो या क्या तुमने किताब पढ़ी है, तो इनके भी जो है चार जवाब आपके सामने हैं, जल्दी से देख लीजिए इन चारों जवाब में से कौन सा जवाब आएगा। तो दोनों सवाल का चौथा जवाब अहमद हैज अहमद ड्रंक वाटर, ये और हैव यू रीड अ बुक, ये जो जवाब सही है। तो हमने आपको वर्बल क्वेश्चन बनाने का जो है इटरनल रूल बताया है, हम क्या करते हैं वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए कि हेल्पिंग वर्ब अगर जुमले में है तो उसको हम पहले लेके आते हैं सब्जेक्ट के, तो हमारा वर्बल क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिसमें कि एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वहां पर डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस जो अभी हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो हम बताएंगे कि उसमें भी उसके भी एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम उसके आगे डिड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जुमले में जो है हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, देखिए अकबर हैज ईटन एन एप्पल, हैज को पहले ले लेंगे, हैज अकबर ईटन एन एप्पल, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन तैयार हो गया। तो हमारे जुमले हैं, इनसे हम जल्दी जल्दी वर्बल क्वेश्चन बनाते हैं। प्रैक्टिस ऑफ अफर्मेटिव वर्बल क्वेश्चन देखिए, पहला जुमला जो है आपके सामने, आई हैव क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश, हैव पहले ले लिया और उसके बाद में हैव आई क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश, पूरा का पूरा जुमला हमने हैव को इस तरफ लेकर लिख दिया, तो हैव आई क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश, ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। ये हैव गॉन टू स्कूल, हैव यू गॉन टू स्कूल, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन तैयार हो गया। यानी पहले हैव आई क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश का मतलब है क्या, मैंने अपने दांत ब्रश से साफ किए हैं, हैव यू गॉन टू स्कूल यानी क्या तुम स्कूल जा चुके हो, वी हैव प्लेड क्रिकेट में से हमने हैव पहले ले लिया, और फिर हैव वी प्लेड क्रिकेट यानी क्या हमने क्रिकेट खेली है, दे हैव ईटन एप्पल, हैव दे ईटन एप्पल, क्या उन्होंने सेब खाए हैं, ही हैज फ्लोन अ काइट, हैज ही फ्लोन अ काइट, क्या उसने पतंग उड़ाई है, शी हैज मिक्स शुगर इन मिल्क, हैज शी मिक्स शुगर इन मिल्क, क्या उसने दूध में शक्कर मिलाई है, अहमद हैज गॉन टू कॉलेज, हैज अहमद गॉन टू कॉलेज, क्या अहमद कॉलेज जा चुका है, सबा हैज क्रॉस द रोड, हैज सबा क्रॉस द रोड, क्या सबा ने रास्ता पार किया है, और तो बाइन समी हैव वॉच टेलीविजन, अब देखो यहाँ से हैव पहले लिया हमने, हैव तो बाइन समी वॉच टेलीविजन, तो ये हमारे अफर्मेटिव वर्बल क्वेश्चन की मश्क हो गई है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब नेगेटिव वर्बल क्वेश्चंस की मश्क देखते हैं, बस हमको नेगेटिव जुमला जो है उसमें से हैव या हैज को पहले ले लेना है जैसा हमने लिया था इसमें, और देखिए हैव आई हैव नॉट क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश, तो हैव आई नॉट क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश, ये हमारा जो जुमला पूरा हो गया। फिर सेकंड, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, थर्ड सेंटेंस, वी हैव प्लेड क्रिकेट, तो हैव वी प्लेड क्रिकेट, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन हो गया, क्या हमने क्रिकेट नहीं खेली है।
दे हैव नॉट ईटन एप्पल्स, हैव दे नॉट ईटन एप्पल्स, ये हमारे जवाब का क्वेश्चन तैयार हो गया। उसके बाद में ही हैज नॉट फ्लोन अ काइट, हैज ही नॉट फ्लोन अ काइट, क्या उसने पतंग नहीं उड़ाई। उसके बाद में शी हैज नॉट मिक्स शुगर इन मिल्क, तो है शी नॉट मिक्स शुगर इन मिल्क। और अहमद हैज नॉट गॉन टू कॉलेज, हैज अहमद नॉट गॉन टू कॉलेज। फिर नेक्स्ट, सबा हैज नॉट क्रॉस द रोड, हैज सबा नॉट क्रॉस द रोड। और फिर तुबा एंड समी हैव नॉट वॉच टेलीविजन, हैव तुबा एंड समी नॉट वॉच टेलीविजन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी खदमत में पेश किया गया है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगेन इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक द वीडियो, गिव अस द फीडबैक इन द कमेंट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोबारा बता दें कि इसके सारे लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहे हैं, इससे पहले जितने भी वीडियोस हुए हैं। अगर आपको पुराने वीडियो देखना तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए। और हमारा मशवरा यही है कि आप जो है प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कीजिए। प्रेजेंट टेंस से आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश रियली अच्छी होती जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो इन सम डेज इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।